चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। वैसे चैप्टर तो बहुत आसान है बट क्वेश्चन करने थोड़ी फील आ जाएगी आपको कि क्वेश्चन करते कैसे। ठीक है जी, चलो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं ये है, किस पे डिस्टेंस ऑफ, पहला लिखना क्या लिख दिया, दो लिख दिया मैंने। पहला क्वेश्चन जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे है। ठीक है जी, मान लो आपके पास एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है। क्या है? एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है बच्चा अल्फा पार्टिकल की, वो दे रखी है 2.1 × 10^7 मीटर पर सेकेंड। 10^7 मीटर पर सेकेंड उसको रफ्तार दे दी हम लोगों ने। ठीक है, और गोल्ड फॉइल से जाके टकरा रहा है, वो गोल्ड फॉइल की तरफ जा रहा है। टकरा तो नहीं, मतलब की तरफ जा रहा है। गोल्ड का जेड कितना होता है बच्चा, पता है कुछ? 79। यस, गुड, ब्रिलियंट यार। ठीक है, तो पूछा क्या है इन्होंने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसमें दे रखा है चार्ज बाय मास रेशियो। दे रखा है चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है आपको, वो दे रखा है 4.8 × 10^7। ये दे रखा है चार्ज बाय मास। ठीक है बच्चा, तो पहले तो मुझे बताओ कि तुम्हें याद भी है कि क्या होता था क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्या होता था, याद है कुछ? यस सर। मान लो अल्फा पार्टिकल आ रहा था ऐसे, ये न्यूक्लियस था। ठीक है जी, तो कहां तक जाके उसकी रफ्तार जीरो हो जाएगी। ठीक है जी, अगर रफ्तार जीरो नहीं होगी तो वो और आगे जाएगा बच्चा, मानते हो? तो जहां तक वो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, वो जो आ रहा है बच्चा, वो मुझे निकालना होता है। आता कहां से है ये अल्फा पार्टिकल? इन्फिनिटी से। कहां से? इन्फिनिटी से। अब जब भी इसके सवाल आए तुम क्या अप्रोच लगाते हैं बच्चा, बताओ? क्लोजेस्ट डिस्टेंस। हाँ बोलो बच्चा, बोलो। कोई बच्चा बोल तो रहा था भाई, चुप क्यों हो गया? हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगाते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन। याद है, बताया था मैंने, जब भी ये सवाल करना तो कैसे करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। यही कहा था सर मैंने। ओके, सुना नहीं बच्चा, एक्चुअली ना कई बार नेटवर्क की दिक्कत होती है तो क्लियरली सुनता नहीं, प्लीज डोंट माइंड। ठीक है, मेरी भी मजबूरी है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे बच्चा बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इन्फिनिटी पे? जीरो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर बच्चा, मानते हो? यस सर। जब ये यहाँ आ गया तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पहले तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ तो न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल है, दोनों पे साइन कैसे है? पॉजिटिव है। तो के आ गया मेरे पास और साथ में क्यू की वैल्यू कितनी है। अल्फा पे चार्ज कितना होता है भाई? अल्फा पे 2e। और जो प्रोटॉन है, जो ये न्यूक्लियस, उस पे जेड ई होगा। ठीक है, जेड की वैल्यू पुट कर देंगे बाद में, 79/R। ठीक है जी, तो एनर्जी कंजर्व करनी है। पहले एनर्जी कितनी थी, दोनों का सम कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इतनी, तो इक्वेट कर दो इसमें। हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला कर दो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। सीमा बोल रही है डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो याद कर रहा हूँ, तो कंसेप्ट हमेशा याद होना चाहिए कि हम क्या करते थे। कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है मेरे पास, ठीक है जी, कोई डिफरेंट अप्रोच बन जाती है, तो आपको बेस पता होना चाहिए कैसे करा था हम लोगों ने। तो अब इक्वेट कर दूं इसमें, तो क्या आएगा मेरे पास, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ तो आएगा हाफ एम वी स्क्वायर
इज इक्वल टू के इंटू टू इंटू जेड ई स्क्वायर बाय आर, आर निकालना है तो आर की वैल्यू जो आएगी के इंटू टू इंटू जेड ई स्क्वायर बाय हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, यहां तक कोई तकलीफ? नो सर। नो सर। तो सब कुछ गिवन है, के आप जानते हो, टू आप जानते हो, जेड आप जानते हो, ई आप जानते हो, ठीक है जी, तो कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है ही नहीं बच्चा। कर लोगे इसे या करवाऊं? Yes, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्टली मास दे रखा है, क्यू बाय एम दे रखा है आपको, ठीक है जी, तो आप मास निकाल सकते हो, क्यू आपको पता ही है अल्फा पार्टिकल का। चलो ये पहला सवाल था, आसान सवाल। अब नेक्स्ट पे आता हूं मैं, एसीबीएसई का सवाल है लेकिन है बड़ा लल्लू सा, बट करा देता हूँ। सर के क्या होगा? के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई क्या कर रहा है काका, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इनटू 10 की पावर 9, याद नहीं? यस सर, यस सर, फर्स्ट चैप्टर वाला वो है बच्चा, ये कई बार भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट सवाल है तो लल्लू कर, चलो करा देता हूँ, सारे सवाल कराने हैं, टाइम तो है अपने पास। इन्होंने क्या पूछा है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर, सीबीएसई ने पूछा है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या डेरिवेशन याद है आपको? दो स्टेप से करते थे हम लोग, पहला स्टेप क्या था? MVR is equal to force is equal to electrostatic force। हाँ, पहला स्टेप तो था centripetal force is equal to electrostatic force, दूसरा स्टेप था angular momentum का quantization। उससे दोनों से R निकाल के एक वेट निकाल के V निकालते थे, V पुट करते थे MVR में तो R आता था। तो ये पूछा है उन्होंने सीबीएसई ने, आप कर सकते हो बच्चा? Yes, sir. और पूछा क्या इन्होंने, स्मॉलेस्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? मैंने रटवाया था आपको याद है 0.53 एंगस्ट्रॉम, याद आ रहा है कुछ कुछ? Yes, sir. ठीक, तो ये सीबीएसई ने पूछा था, कोई खास बात नहीं है भाई। कितने बच्चों को ये याद है भाई? दो चार बच्चे तो होशियार है मुझे पता है, बाकी बच्चों को आता ही नहीं आता ये? हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो पूछ रहा है आपसे स्पीड, पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है n इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं करा रहा हूं आपको, एक हीलियम HE+ आयन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है इसमें, HE+ आयन दे रखा है, और आपसे पूछा है बच्चा कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की n इक्वल टू 3 में, मतलब थर्ड ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो याद है आपको कुछ, v में क्या आता था, v प्रोपोर्शनल टू क्या था बच्चा, याद है कुछ? Yes, sir. ये मेरे पास Z by N। तो बताओ हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? Z 2 हो जाएगा, Z 2 हो जाएगा हीलियम के लिए, और N 3 है। ठीक है बच्चा, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था मेरे पास वो क्या था, C by 137 था ना शायद, जानते हो मुझे याद है। C by Z by N, Z को क्या पुट कर दूंगा बच्चा मैं, 2 पुट कर दूंगा, और n को क्या पुट कर दूंगा मैं, 3 पुट कर दूंगा, तो आप निकाल लोगे बच्चा ये 2, क्या 2? चलो तो तुम्हें याद रखना है फर्स्ट शेल का रेडियस तो 0.53 याद रखना है, रेडियस एंगस्ट्रॉम में, ठीक है जी,
और फर्स्ट शेल की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी थी, c बाय 137, ये याद रखना, बाकी प्रोपोर्शनलिटी संभाल ले, z बाय n वाला या n बाय z वाला, ठीक है, याद रहेगा ये? यस सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुद ही सीख रहा हूँ और मैं खुद ही खुश हो रहा हूँ? नो सर, आ गया। ठीक है, चल देखते हैं क्या सिस्टम चल रहा है। तुम्हारा टेस्ट तुम्हें याद है ना सैटरडे को? यस सर। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4। उन्होंने पूछा, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली that energy 13.6 electron volt is required to separate electron from a hydrogen atom. ठीक है जी, तो कैलकुलेट क्या पूछा उन्होंने, रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस पूछा उन्होंने, और क्या पूछा बच्चा उन्होंने, उन्होंने पूछा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थी। इस डेटा से आप ये निकालो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थी और रेडियस क्या था, ये निकालो। वो तो सबकी 1-1 वाली हो जाएगी, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम वाली होएगी रेडियस। होएगी तो बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन इस डेटा से निकालना ये कह रहा है। जेड इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 1 ले लो बस, और क्या है, जेड और एन इक्वल्स टू 1 ले लो। अच्छा वो वाला तरीके से नहीं करना, एनर्जी यूज करना, एनर्जी का मतलब, इसने एनर्जी दिया तो एनर्जी का फॉर्म, इसका कहने का मतलब क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो और एनर्जी से ही निकालो रेडियस और एनर्जी से ही निकालो क्या, वेलोसिटी। तो एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, हाँ जी, क्या था एनर्जी का फॉर्मूला, 13.6 z^n। वो तो ठीक बात है, देखो पहली बात सुनो, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लें, 13.6 * 1.6 * 10 की पावर -19 जूल में कन्वर्ट होगा बच्चा, मानते हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है मेरे पास, 1.6 * 10 की पावर -19 जूल, ये पता होना चाहिए आपको, बताया था मैंने पहले आपको, ठीक है जी। तो अब सुनो, इसके अंदर बच्चा अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बताओ मेरे को, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या था, याद है, पोटेंशियल एनर्जी K1Q2 / R। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही मेरे पास क्या होता है, एक ही प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यू का मेरे पास क्या बन जाएगा, K e square by R बन जाएगा बच्चा, नेगेटिव साइन के साथ, आना बोलो। यस सर। तो एनर्जी पता है मुझे कितनी है, 13.6 into 1.6 into 10 की पावर -19, क्या मुझे K पता होता है, यस सर, 9 into 10 की पावर 9, ठीक है जी,
ई की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो क्या मैं आर निकाल सकता हूँ इस चीज से? यस सर, आर निकल जाएगा बड़े प्यार से। ठीक है जी, आना बोलो। यस सर। अच्छा सर, यार नेगेटिव क्यों आ रहा है? एनर्जी भी नेगेटिव लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। अरे यार याद नहीं मेरे को, यू तो नेगेटिव होता है मेरे पास, माइनस 13.6 होती है उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। हेलो, ठीक है, आर निकल जाएगा इससे। अब मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो आएगी अनंत पे वो कितनी आएगी भाई? इलेक्ट्रॉन पहला मेरा मेरे पास यहाँ था, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसको मैंने निकाल दिया, इसकी एनर्जी इतनी थी। अनंत पे जाके उसकी एनर्जी क्या होती है मेरे पास? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है तो सारी पोटेंशियल किस में हो जाएगी? काइनेटिक। बच्चा मानते हो? आना बोलो। एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना। yes, sir. तो जो ये एनर्जी ऐसे किससे इक्वेट कर दूं मैं? हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट कर दूं इस एनर्जी को। आना बोलो। yes, sir. मास कह लूं इसमें मैं, किसका मास लूं? इलेक्ट्रॉन का। मास इलेक्ट्रॉन का लेना। 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 बी निकल जाएगा इससे बच्चा। आना बोलो। yes, चलो, ये सवाल था एनसीईआरटी का, बड़े वाहियात सवाल पूछते हैं एनसीईआरटी वाले। ठीक है, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी सर, वो एन और जेड को बंद कर। पता है, लेकिन पता है क्या है कि अगर पूछा एनर्जी दे रखी है उससे पूछ रखा है तो आप एनर्जी वाली टर्म को जो गिवन होता है ना उसको यूज करना कन्वेंशनल होता है। ठीक है जी, आप करने कर सकते हो नो डाउट। ठीक है जी, बट किसी सन की चेकिंग करने वाला दिक्कत कर देगा वो। ठीक है जी, टोटल एनर्जी वाला यूज हो जाएगा सर इसमें। हां, सेम फार्मूला होता है। हां, चलो अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें दे रखा है ये सीबीएसई 2011 क्वेश्चन अभी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है बोर ऑर्बिट में, उसकी टोटल एनर्जी जो दे रखी है बोर ऑर्बिट में, उसकी टोटल एनर्जी दे रखी है -1.51। ये क्या है टोटल एनर्जी? ठीक है, तो पूछा क्या है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, और तीसरा पार्ट जो पूछा है सीबीएसई ने, तीन पार्ट पूछे हैं। पहला तो पूछा है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा पार्ट जो उन्होंने पूछा है बच्चा, वो पूछा है उन्होंने क्या कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है यहां से ग्राउंड स्टेट पे, मतलब जो भी स्टेट ये है, पता नहीं कौन सी स्टेट है, गिवन नहीं है, उससे वो फर्स्ट स्टेट पे जाता है तो वो लाइट छोड़ेगा। बच्चा मानते हो? वो लाइट छोड़ेगा तो उसकी लैम्डा क्या है, ये सवाल पूछा है। बात समझ में आ रही है? yes, sir. ग्राउंड स्टेट कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे कैसे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स मोड ऑफ टोटल एनर्जी। हां, गुड, शाबाश। तो टोटल एनर्जी कितनी रखी है अपने को? -1.51। हां, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोड ऑफ टोटल एनर्जी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या आ जाएगी मेरे पास, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं आएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बताओ? टू टाइम्स होती है बच्चा किसकी, टोटल एनर्जी की। ठीक है जी, लेकिन ये नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। तो ये नेगेटिव कितना आएगा, 3.02 आ जाएगा शायद, है ना? अरे हाँ ना बोलो, गलत तो नहीं कर रहा मैं। चलो आप बताओ बच्चा, मुझे जो निकालना है लैम्डा निकालना है, क्या निकालना है? लैम्डा। ये बताओ पहले तो, ये एनर्जी कौन से शेल की है? थर्ड की है। वैसे तो पता ही वैल्यू से, लेकिन पता भी नहीं चल रहा कि कौन सी है, मान लो। तो ऐसे क्या करूं? देखो एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, हायर एनर्जी कौन सी है?
1.5 वाली बच्चा मानते हो, और लोअर एनर्जी कौन सी है मेरे पास, 13.6 वाली, नेगेटिव वाली, ठीक है जी। तो यहां से यहां जंप कर रहे हैं तो एनर्जी में चेंज कितना आया, अरे बोलो पापियों, 12.09। हाँ देखो, E2 माइनस E1 करता था मैं, ठीक है जी, तो माइनस 1.51 माइनस ऑफ माइनस 13.6, इतना एनर्जी में चेंज आया, तो यानी कितना आ गया ये 12.1 आ गया शायद, 12.1 ही आएगा, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास एनर्जी आ गई। इसको कन्वर्ट कर लूं किसमें, जूल में, 12.1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। अब ये एनर्जी कन्वर्ट किसमें होगी, फोटोन में कन्वर्ट होगी, बच्चा मानते हो? Yes, sir. तो फोटोन की एनर्जी जो होती है वो एच न्यू होती है, एच सी बाई लैम्डा, तो क्या लिख दूं मैं, एच सी बाई लैम्डा लिख दूं, तो लैम्डा निकालना है, एच पता है अपने को, सी पता है, तो लैम्डा निकल जाएगा बच्चा। Yes, sir. चल ये काम हो जाएगा बड़े प्यार से। चलो नेक्स्ट सवाल कर ले फिर। Yes, sir. चल अब जो सवाल इन्होंने पूछा है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, कैलकुलेट द shortest and longest wavelength of Lyman series. तो Lyman series याद है बच्चा क्या होती थी? N equals one. Yes sir, किसी भी और वन से फॉर। हाँ, तो longest wavelength कब आएगी? लॉन्गेस्ट के लिए बताया था कल मैंने, भूल गए हो? नहीं भूले। ठीक है, ये R आ गया, तो ये क्या बन जाएगा 1, ये बन गया 1/4, तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3R/4 आ गया, 1/लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 4/3R आना, बोलो, R की वैल्यू हम जानते ही हैं, तो लैम्डा निकल जाएगा लॉन्गेस्ट के लिए। यस सर। और शॉर्टेस्ट के लिए निकालना है तो 1/लैम्डा is equal to R into 1 by 1 का square minus 1 by infinity का square, तो क्या बन जाएगा, 1 by lambda की value क्या आ जाएगी, R, तो lambda की value क्या आएगी मेरे पास, 1 by R। तो ये पूछा है उन्होंने, कोई मुश्किल काम तो नहीं है बच्चा ये? No sir। ठीक है, चलो अब एक और सवाल दे दूं, ये समझ में आया सबको भाई? आज तुम्हारा जोश ठंडा है, चक्कर क्या है? अभी उठ के आए तुम लोग क्या? अरे हाँ ना तो बोलो। जूम बंद हो गया था क्या एक बार? हेलो। यस सर, मेरा नेट बंद हो गया लगता है। चलो ये सवाल हो गया, नेक्स्ट सवाल कर ले बच्चा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो वैरायटी बनती बच्चा इसमें वो है ये, नेक्स्ट वेवलेंथ ऑफ, ये सवाल तुम खुद करोगे ठीक है जी, दो मिनट ट्राई करना फिर मैं कराता हूँ। वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन
ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज 4861, 4861 एंगस्ट्रॉम दे रखी है आपको, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, कर पाओगे या मैं कराऊं? कर रहे हैं। करो, दो मिनट देता हूं। हो गया? आंसर क्या है सर? आंसर है 6562 एंगस्ट्रॉम। हो गया सर। ठीक है, गुड, शाबाश। नहीं बच्चा सुनो भाई, बाकी लोग हो गया भाई? बाकी लोगों आना बोलो यार, तुम रिप्लाई नहीं करते, बड़ा गुस्सा आता है, रिप्लाई तो कर दो कम से कम। चलो क्या हुआ सर? देखो सबसे पहले बताओ कि फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है। n equals to 3 लेंगे। देखो बाल्मर सीरीज जो होती है बच्चा, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? 2 से स्टार्ट होती है बच्चा, मानते हो? तो बेसिकली जो फर्स्ट लाइन आएगी वो कहाँ से आएगी? थर्ड से 2 पे आएगी ये फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन जो आएगी बच्चा वो कहां से आएगी? 4 से 2 पे आएगी। ये थर्ड है मेरे पास, ये फोर्थ शेल, ठीक है, ये सेकंड शेल और ये फर्स्ट शेल, ठीक है बच्चा। तो सिंपल करना क्या है मेरे को, 1/λ1 मान लेता हूँ पहले वाले का मैं, ठीक है जी। फर्स्ट वाले को मैं λ1 मान रहा हूँ, वो क्या है? रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, बच्चा मानते हो? आना बोलो। yes, तो ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1/4 बन गया, ये 1/9 बन गया, तो एलसीएम 36 आ जाएगा, 36 और 9 इधर 4 इधर 5, 5 r/36 आ जाएगा बच्चा, आना बोलो। yes, sir. ऐसे ही दूसरा जो वेवलेंथ होगा मेरे पास वो आएगा r into 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो भाई जान ये कितना बनेगा, 16, ये बन जाएगा 3r/16, क्या बन जाएगा? 3r/16, ठीक है जी। अब मुझे क्या गिवन है, लैम्डा 2 गिवन है, लैम्डा 1 गिवन है? कोई बताएगा? लैम्डा 2। तो दोनों का रेशियो ले लूं बच्चा, इन दोनों का डिवाइड मार दूं, इन दोनों को डिवाइड मार दूं, आर ने आर को मार देना है, और कुछ कट रहा है क्या? ये बनेगा क्या बच्चा, ये बन जाएगा मेरे पास
लैम्डा टू बाय लैम्डा वन इज इक्वल टू, ये 36 है ये 3 है तो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 5 इंटू 16 और 36 इंटू 3, तो लैम्डा टू तो गिवन है शायद मेरे को ना, लैम्डा वन निकालना है, तो लैम्डा वन की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा टू इंटू 36 इंटू 3 बाय 5 इंटू 16। लैम्डा टू की वैल्यू भर दूं यहाँ पे, बाकी तो सॉल्व करना है बच्चा। अरे बात चमक रही है ऊपर से जा रही है? आ गया सर, आ गया सर। ठीक है, आसान ही है, मुश्किल तो नहीं है ये? एक बार नीचे करना सर। सर ये सेम क्वेश्चन प्लस वन में केमिस्ट्री में आता है। अच्छा फिर तो ठीक है। मतलब कर लो सर ऊपर, मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ, मतलब है तुम पहले पढ़ चुके हो सारा चीजें हैं। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ फिर मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है 2008 में। ठीक है जी, ये थोड़ा डिफरेंट तो क्या आसान ही है, थोड़ा अलग है थोड़ा सा। सीबीएसई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुन लो। ग्राउंड स्टेट है ऑफ एन एटम की एनर्जी है, मेरे पास क्या ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे रखी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और एक फोटोन एमिट करता है, एक फोटोन एमिट करता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो फोटोन निकलेगा बच्चा। ठीक है जी, अब क्या किया उस फोटोन को हमने डाल दिया किस पे, एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे डाल दिया उस फोटोन को हम लोगों ने। अब डाल दिया तो बच्चा क्या होगा उसका वर्क फंक्शन, ये मटेरियल है मेरे पास, इसका वर्क फंक्शन पता नहीं मारो कितना है। ठीक है जी, वर्क फंक्शन हमें पता नहीं है। जब ये डाला हमने फोटोन तो ये पाया गया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है, देखो फोटोन डालता हूं किस पे, मेटल पे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है बच्चा, मानते हो? यस। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो, और इस इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो बंदे ने दे रखी है, वो दे रखी है कितनी, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दे रखी है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछा क्या है इन्होंने, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है इन्होंने। क्या आप ये सवाल कर सकते हो? ट्राई कर। भाई चैट में रिप्लाई तो करता करो कम से कम, एक ही बच्चा बोलता खाली बस। थ्री समथिंग आएगा, थ्री समथिंग नहीं बच्चा, फोर समथिंग आ रहा है, मतलब फोर आ रहा है लगभग, एग्जैक्ट फोर आ रहा है लगभग। चलो करा देता हूँ बच्चा सुनो, बाकी लोगों ने ट्राई कर लिया सबने? 4.1 के आसपास आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कहता मैं। तो बच्चा सुनो है क्या,
ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मुझे पता है कितनी है, -13.6, ठीक है जी। तो n इक्वल टू 3 की एनर्जी निकाल सकता हूं मैं? यस सर। कितनी आएगी एनर्जी, 3 एनर्जी तो 1.5 आएगी, तुम्हें याद ही है क्योंकि -13.6 बाय n स्क्वायर करते हैं बच्चा, याद है n को 3 पुट कर दिया मैंने तो वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो ये आएगा 1.51। सबको याद है ये एनर्जी आ जाएगी, ये मेरी ग्राउंड स्टेट की और ये मेरे थर्ड की। तो बच्चा ये बताओ अब जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 12.1 आ रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, याद रखना ठीक है जी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी एनर्जी है? फोटोन की। फोटोन की एनर्जी, गुड शाबाश, फोटोन की एनर्जी ठीक है। अब ये फोटोन की एनर्जी है तो फोटोन की एनर्जी पता लग गई मेरे को। अब याद करो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया था मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई थी फोटो इलेक्ट्रिक में, क्या था वो? वो था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यानी फोटोन की एनर्जी। माइनस वर्क फंक्शन, अरे सबको याद है या भूल गए हो बापियों? याद है सर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रखी कितनी रखी सवाल गिवन है, शायद मैक्सिमम वो दे रखी है 9 दे रखी है, क्या दे रखी है 9। और एच न्यू मुझे पता है 12.1 है, तो क्या मैं वर्क फंक्शन निकाल सकता हूँ इससे? यस ठीक है जी। तो वर्क फंक्शन तो क्या आएगा, 3 समथिंग आएगा ना, है ना, 3.1 आ जाएगा वर्क फंक्शन तो। यस सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। लेकिन लैम्डा पूछा है आपसे, क्या पूछा है? लैम्डा पूछा है। अच्छा साक्षी आपने आंसर वो दिया था क्या, मतलब आपने शायद आंसर दिया वर्क फंक्शन का, ठीक है। अच्छा एक्चुअली पूछा क्या था बच्चा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी थी साक्षी। देखो सवाल में मैंने लिखा हुआ यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी थी, तो ये देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ठीक है। तो अब करना क्या बच्चा, एच सी बाई लैम्डा कर दो बस, ठीक है जी। तो बात बन जाएगी, एनर्जी पता है आपको, मतलब वर्क फंक्शन पता है ना आपको, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल में कन्वर्ट कर लेना है, एच सी बाय लैम्डा नॉट। अब ये लैम्डा नॉट निकालना है, एच मुझे पता होता है 6.63 समथिंग इंटू 10⁻¹⁴, सी पता होता है 3 × 10⁸, तो ये लैम्डा नॉट निकालना है, तो ऐसे आएगा लैम्डा नॉट। बात चमक रही है? यस। तो ये सवाल हो गया, नेक्स्ट सवाल कर ले बच्चा। यस सर। यस ठीक, नेक्स्ट वैरायटी के सवाल जो बनते हैं बच्चा इसमें, एक्साइटेशन पे बनते हैं, बड़ा पता है इतना कैसे। एक हाइड्रोजन एटम है मेरे पास, ठीक है जी, वो ग्राउंड स्टेट में है, हाइड्रोजन एटम है, वो कहां पे है, वो ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। और उसने क्या किया, एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और वो कहां पहुंच गया, n इक्वल टू 4 में पहुंच गया, इस लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि बताओ वेवलेंथ क्या है उस फोटोन की, लैम्डा ऑफ फोटोन बताओ मुझे, और वो बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बताओ फोटोन, क्या आप कर सकते हो ये? Yes, sir. तो करो बच्चा फिर।
फ्रीक्वेंसी 20.6 कुछ है क्या? फ्रीक्वेंसी नहीं यार, करना क्या बड़ा आसान काम है यार, तो यार ऐसे ना करो भाई। सर बस एनर्जी तो वही हो जाएगी 0.85 हो जाएगी। हाँ 0.85 दोनों डिफरेंस निकालना बच्चा, 13.6 और 0.85 का डिफरेंस निकालेगी ना तभी तो एनर्जी निकलेगी, तो 12.75 आएगी समथिंग। अच्छा उसको एच न्यू से इक्वेट कर देंगे। हाँ एच न्यू से करते हैं और एक बार एस सी वेलेंटा से करते हैं बस। ठीक है आंसर। सर फ्रीक्वेंसी है कि सर 1.9 × 10⁴। फ्रीक्वेंसी मेरे तुम्हें गलत निकाल रहे हो एक्चुअली, 3 × 10⁵ आ रही है मेरी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, तुमने यार जूल में कन्वर्ट नहीं किया होगा पक्की बात है। सुनो रखो मैं सोल्यूशन देता हूँ, सुनो। फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है मेरे को कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चा मानते हो। फोर्थ शेल की एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? -13.6/4² ठीक है जी, यानी मेरी लगभग आएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी का चेंज जो आ रहा है बच्चा वो निकाल लूं मैं, क्या आएगा मेरे पास? -0.85 माइनस ऑफ -13.6, तो चेंज जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है कितना? 12.75 अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले जूल में कन्वर्ट करो एनर्जी को, तो वो क्या बनेगा? 12.75 × 1.6 × 10⁻¹⁹। ये जूल में आ गया मेरे पास। अब ये एनर्जी है किसकी? फोटोन की। किसकी? फोटोन की। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E=hν होता है एक तो, और फॉर्मूला क्या होता है? hc/λ। एनर्जी पता है आपको, h पता है, तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और लैम्डा भी निकाल सकते। तुमने ऐसे किया है या कुछ और तरीका अपनाया तुम लोगों ने? किया तो यही था सर, वो जूल कन्वर्ट नहीं किया सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहली बात सुन, पहली बात सुन, प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है ना वो जूल में होता है, मतलब जूल को यूज करके यूज करते हैं 6.64 वाला। तो जब भी एनर्जी दे रखी हो ना उसको, तो हमेशा जूल में कन्वर्ट करके फिर करना। ठीक है यस सर। बात चमक गई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चा, तो बच्चा सवाल तो वैरायटीज में इतनी बनती है। ठीक है जी, मैंने लगभग हर वैरायटी को छूने की कोशिश की है। मैं आपको सवाल आज क्वेश्चन भेज देता हूँ, ठीक है? बहुत सारे जो भी इसमें सीबीएसई में आए ना, सारे क्वेश्चन जितने भी है मेरे पास वो भेज देता हूँ, वो अटेम्प्ट कर लोगे बच्चा? यस सर। वो अटेम्प्ट कर लो, और जैसे आज क्या है, आज तो शायद वेडनेसडे है ना, तो फ्राइडे को मैं इसके डाउट ले लेता हूँ। ठीक है जी, दो दिन मिल जाएंगे तो काम करने के लिए, आज और कल का खत्म कर देना उसको, और सैटरडे में डाउट लेके सैटरडे को टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, पर टेस्ट दो टॉपिक का होगा, ध्यान रखना, एक तो किसका? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दूसरा एटम का होगा। ठीक है, ओके सर। तो चलो बच्चा आज तो यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस। क्या स्टार्ट करेंगे? न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे बच्चा। ठीक है, न्यूक्लियाई। ठीक है, चलो ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। कोई डाउट है बच्चा पूछ सकता है कोई? नो डाउट। चलो बाय बाय।